हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज रसोई। और आप जैसे कि जानते हैं कि बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो बारिश का मौसम चालू हुआ है तो पकोड़े तो डेफिनेटली हर घर में बनने ही हैं। तो आज हमने चिकन के पकोड़े बनाए हैं बहुत ही देसी स्टाइल में। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप इसे मोटा मोटा भी कूट सकते हैं या फिर आप इसे बड़े बड़े क्यूब्स में भी रख के आप इसे बना सकते हैं। दूसरे जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो है कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने 3/4 टीस्पून सॉल्ट डाला है, आप अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टीस्पून कोरिएंडर भुना और कुटा हुआ, और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। और हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला भी ऐड करेंगे, जो हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। और साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। कुछ यहाँ पे हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया लिया है, 3 ग्रीन चिलीज़, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी हम इसमें प्याज डालेंगे और 1 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। इस चिकन के ऊपर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉरी मैंने 1 टीस्पून कहा था। अब हम इसमें नींबू का जूस इसमें छिड़क देंगे। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया मिला देंगे, और सारे के सारे जो हमारे स्पाइसेस थे वो भी इसमें मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्ची दोनों चेक कर सकते हैं। यूजुअली जो स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकोड़े होते हैं उसमें इस पॉइंट पे फूड कलर ऐड किया जाता है, लेकिन हम फूड कलर ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने लाल कश्मीरी पाउडर डाले हैं तो इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप ऑफ बेसन, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो बेसन और राइस फ्लावर है वो अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। बेसन और राइस फ्लावर को अच्छे से कोट कर लिया है। अभी 2 टेबलस्पून जितना हम पानी डालेंगे, या आपको जितना लगे कोट करने के लिए आप उतना पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें एग्जैक्टली 2 टेबलस्पून पानी लगा है इसे कोट करने के लिए। आप चाहे तो और भी आप पानी डाल के इसे एक लूज़ बैटर भी बना सकते हैं। अब मैं इसे रेस्ट करने देती हूँ जब तक कि मेरी कढ़ाई और मेरा जो तेल है वो गर्म हो जाए। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है और हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे फ्राई होने के लिए। अगर आप क्यूब डाल रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे एक एक क्यूब डाल दीजिए और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रख के फ्राई करना है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जब ये नीचे से सुनहरा हो जाए तभी आप इसे पलटना, अभी चमचा बीच में ना हिलाएं। देखेंगे कि जब चिकन नीचे से गोल्डन हो रहा है तो हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो वो बहुत ही आसानी से छूट जाता है। इसका मतलब है कि वो नीचे से अच्छे से पक चुका है और अभी उसे दूसरे साइड भी पकाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी पका लेंगे। चिकन पकौड़े अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरे हो जाएं तो आप उसे एक दूसरी प्लेट में निकाल के उसे सर्व कर दीजिए। आप सर्व कर सकते हैं मनपसंद केचप या चटनी के साथ। हमने यहाँ पे उसे सर्व किया है पकौड़े चटनी के साथ, और यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म इलायची वाली चाय के साथ। मौसम भी बेहतरीन है इसे बनाने के लिए, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।